भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन चुकी है और उसके तहत भारत से प्रत्यार्पण की कार्रवाई को बांग्लादेश अब शुरू करने जा रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के एक मध्य एक प्रत्यार्पण संधि 2013 में हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा। अब अगर किसी भी देश की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो प्रत्यार्पण करना होगा और लगभग 300 लोग मारे गए। इस नरसंहार के आरोप सीधे सीधे शेख हसीना पर लगाए गए। यही वजह है कि हसीना और उनके 50 सहयोगियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उनको 18 नवंबर को पेशी का आदेश दिया है। बांग्लादेश में भारत की प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद के अब बाकायदा अरेस्ट वारंट बांग्लादेश की दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अब जारी कर दिया है, जिसमें शेख हसीना वाजिद और उसके 48 वो लोग शामिल हैं जिन्होंने मैस किलिंग की थी उन प्रोटेस्ट के दौरान, जिसमें हजारों की तादाद में तलबा को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अब इस सारे मामले के रिपरकशंस क्या होंगे, भारतीय इस पर क्यों सीखपा हैं और उन्हें किस चीज का डर है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको वो बताते हैं और फिर आगे चलकर भारतीयों का इस पर रदेमल बताएंगे कि किस तरह चीखते चलाते दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश कैसे शेख हसीना का भारत से पूछे बगैर वारंट जारी कर सकता है। आज से चंद साल पहले भारत में शेख हसीना वाजिद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शेख हसीना वाजिद ने वहां आकर सबसे पहले एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि बांग्लादेश के कई लोग ऐसे थे जो कि सियासी तौर पर शेख हसीना के मुखालिफ और उन्होंने भारत में पनाह ले रखी थी। लेकिन फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के दरमियान, जिसमें यह तय होता है कि कोई भी सियासी कैदी अगर इन दोनों ममालिक में से किसी एक जगह मतलूब होगा तो दूसरा मुल्क फौरी तौर पर उसे वापस करने का मजाज होगा और उसके लिए कोर्ट का अरेस्ट वारंट ही काफी होगा। उसके बदले में ऐसे कई लोग जो भारत में मौजूद थे उन्हें उठा उठाकर बांग्लादेश के हवाले किया गया और फिर आपने फांसियों की एक जो लंबी फहरिस्त सुनी थी जिसमें लोगों को उनके अदालती हकूक उनके बुनियादी हकूकों को सलब करके फांसियों पर चढ़ाया गया, जिसमें जमात इस्लामी के भी कई लोग थे, बीएनपी के भी कई लोग थे, जो कि वाजिदा जिया की पार्टी है जो मेन अपोजिशन पार्टी थी हसीना वाजिद के अगेंस्ट। और यही सब कुछ करते करते शेख हसीना वाजिद एक वक्त में उस मकाम तक पहुंच गई थी कि उसे बांग्लादेश का डिक्टेटर कहा जाता था, क्योंकि बाकी जितनी भी सियासी जमातें थी उन पर इंतखाब लड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। और अब वही जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और बांग्लादेश का, वो शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और अब बांग्लादेश बाकायदा तौर पर मांग करेगा उसी एग्रीमेंट के तहत कि हमें फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद वापस फराहम की जाए। अगर ये वापस नहीं करते तो एक नई अदालती जंग भी शुरू होगी जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकती है, और साथ ही साथ अगर वहां से भी कुछ नहीं होता तो फिर बांग्लादेश और भारत के हालात मजीद खराब से खराब तर होते जाएंगे, जो कि इस वक्त भारतीय किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ हालात मजीद खराब होते हैं तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ होगा। और अभी तो सिर्फ 2 चाइनीज वेसल्स नेवी की पहुंची हैं बांग्लादेश में, तो भारतीयों ने इतना चीखना शुरू कर दिया है। अब अगर बांग्लादेश और भारत के हालात मजीद खराब होते हैं तो फिर चाइना कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि एक हसीना वाजिद के लिए शायद भारतीय ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस बार सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, आप पर कई कहानियां वाजे हो जाएंगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑफ द स्क्रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज के लिए सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन चुकी है। बांग्लादेश में लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर राज करने वाली शेख हसीना आज सबसे बड़ी क्रिमिनल बन चुकी है। यूनिस सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। शेख हसीना पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप भी लगे हैं और उसके तहत भारत से प्रत्यार्पण की कार्रवाई को बांग्लादेश अब शुरू करने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और वारंट जारी होने के साथ ही वो बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में रुकी हुई है। जिस वक्त से उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा है उस दिन से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में ही रुकी हुई है। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना पर जो वारंट जारी किया गया है वो समय के कथित अपराधों से संबंधित है, जब देश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे थे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अदालत ने 18 नवंबर तक शेख हसीना को पेश होने का आदेश दिया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद तजुल इस्लाम ने इस बात की जानकारी साझा की है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही है। उन पर छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई छात्रों की हत्या का भी आरोप है। बांग्लादेश में कई बार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग उठ चुकी है। इस मामले में भारत के सामने कूटनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि शेख हसीना की वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के एक मध्य एक प्रत्यार्पण संधि 2013 में हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं भारत बांग्लादेश के बीच की संधि क्या थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई प्रत्यार्पण संधि के मुताबिक सीमा पर उग्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधियों को किसी भी देश के अनुरोध पर वापस भेजा जाएगा। खास बात यह है कि व्यक्ति पर लगे आरोप दोनों ही देशों में दंडीय अपराध के तहत वर्गीकृत होने चाहिए। क्या भारत प्रत्यार्पण से मना कर सकता है? इस सवाल का भी जवाब सुन लीजिए। शेख हसीना पर नरसंहार, हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। 2016 के संशोधन के मुताबिक प्रत्यार्पण के लिए सबूतों की जरूरत भी खत्म कर दिया गया है। अब अगर किसी भी देश की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो प्रत्यार्पण करना होगा। 3 महीने से भारत में शरण लेकर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अब ऐसा कदम उठाया है जिससे हसीना को भारत छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कई महीनों से उथल पुथल मची है। शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश की ताकतवर नेता थी आज भारत में शरण लिए बैठी है, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के आरोप उन पर लगे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये कहानी जुलाई से शुरू होती है जब छात्र आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वो मांग कर रहे थे कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण खत्म किया जाए। इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और लगभग 300 लोग मारे गए। इस नरसंहार के आरोप सीधे सीधे शेख हसीना पर लगाए गए। यही वजह है कि हसीना और उनके 50 सहयोगियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने न केवल इन हत्याओं में भूमिका निभाई बल्कि राजनीतिक विरोधियों को गायब करवाया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का एक ऐसा मंच है जहां मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई होती है और उनको भारत छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ सकता है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ इसी साल के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और नरसंहार को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उनको 18 नवंबर को पेशी का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं में कथित रूप से शामिल 50 अन्य लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया है। वीडियो अपने मुलायजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।